दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल के और एक वीडियो में। दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट निकला है, लेकिन ये ओनली तमिलनाडु कैंडिडेट के लिए है, तमिलनाडु फॉरेस्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जो फॉरेस्ट वॉचर का पोस्ट निकला है जो लेवल 3 में है, और ये रेगुलर पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नहीं है, जिसका पे स्केल 16,600 से 52,400 है, 16,600 से 52,400। और फॉरेस्ट वॉचर में जो आपका टोटल पोस्ट है 465 पोस्ट है, और फॉरेस्ट वॉचर जो एसटी यूथ कैंडिडेट के लिए हैं उनका 99 पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पे आपको 564 पोस्ट मिल रहा है। और इन्फॉर्मेशन वाउचर आपको अगर डाउनलोड करना है तो www.forest.tn.gov.in में जाके आप ऑनलाइन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपको फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोल दिया है कि नोटिफिकेशन का डेट है इसका जो निकला है 7/3/2019 से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा May 1st से, और लास्ट डेट है May 3rd, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा June 4th में आपको यहाँ पे होगा। स्क्रीन ऑफ जो एग्जामिनेशन है जनरल नॉलेज का आएगा, मैक्सिमम मार्क यहाँ पे 100 रखा गया है, और क्वालिफाइंग करने के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है 30% और जनरल कैटेगरी को 40% यहाँ पे लाना है। एज लिमिट का अगर बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 21-30 ईयर्स है, रिजर्व के लिए 21-35, एक्स सर्विस मैन के लिए 21-30 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे जो एक्स सर्विस मैन के लिए 30 ईयर्स रखा गया है उनका जो पीरियड ऑफ सर्विस वो डिडक्ट करके, तो यहाँ पे आपका मिनिमम अप टू 45 ईयर्स तक आपको मिल जाएगा। और जनरल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला है कि SSLC जो आपको मिनिमम जो है आपको पास करना चाहिए, और यहाँ पे बोला है कि मस्ट पोजेस मिनिमम जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मस्ट हैव पास SSLC, आपको यहाँ पे पास होना आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे दे दिया है मेल के लिए और फीमेल के लिए, मेल के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150, तो फिजिकल यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे जो एंडुरेंस टेस्ट एक्ट होगा जो कि मेडिकल बोर्ड ऑफ चेन्नई की तरफ से, और इसको जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है आपको इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस है ₹150 यहाँ पे प्लस एप्लीकेबल चार्जेस, माने ₹170 तक आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लगेगा। अप्लाई करना है ऑनलाइन में, और ये मई में इसका जो डेट अभी है बहुत टाइम है, ये पहले से नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो आपको यहाँ पे बोल दिया है ये कि May 1st में इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर शुरू होगा, तो डेट बहुत ही आगे है, तो एडवर्टाइजमेंट पहले से निकल चुका है, आप एक बार चेक कर लीजिए अप्लाई करने से पहले, ताकि आपका जो नॉलेज में रहे ये। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।